दुनिया भर में न जाने कितने अनगिनत पंछी और जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी असाधारण और रहस्यमय जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिनके बारे में हम जानकर भी अनजान हैं। पर आज हम बताने वाले हैं इन सभी जीवों से बिल्कुल अलग टॉप 10 ब्लाइंड एनिमल के बारे में, जिनकी प्रजातियां बिल्कुल अंधे होते हैं। आपको पता होगा कि अंधा होना किसी श्राप से कम नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ये जीव अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयराम कुमार चौहान और आप देख रहे हैं फैक्ट टेक बाबू यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्लाइंड क्रेपिस दुनिया में तेजी से विलुप्त हो रहे प्रजातियों में से एक है। इस जीव के विलुप्त होने के पीछे का एक कारण इसका अंधा होना भी है। इसका शरीर बहुत ही संवेदनशील, स्पर्श और गंध की संवेदना है, जो इन्हें अंधेरे में भी जीवित रहने में मदद करती है। दुनिया में क्रेफिश की कई सारी प्रजातियां मौजूद हैं और लगभग सभी प्रजातियां एक ही जैसी होती है। इसके पास दो जोड़ी श्रृंगिकाएं और 10 टांगे होती है। ये सामान्यतः झीलों, नदियों, दलदलों और तालाबों में पाई जाती है। बट ब्लाइंड क्रेफिश दक्षिण पूर्वी अमेरिका में अंडर वाटर गुफाओं में पाई जाती है। नंबर 9, लेप्टोडियस बेटल। ये प्रजाति चींटियों के प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इसके पास लंबी श्रृंगिकाएं और टांगे होती है, लेकिन ये पूरी तरह से अंधे होते हैं। और ये प्रजातियां सामान्य चींटियों की तरह ही अपना घर बना के रहते हैं, बट ये सामान्य चींटियों से बिल्कुल हटके होते हैं। इसका पेट बहुत बड़ा होता है। अगर कुछ हद तक देखा जाए तो इसका पेट हनी आंट की तरह ही होता है। नंबर 8, केंटुकी केव श्रिंप। ये जीव अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसे आंखों की कोई जरूरत नहीं होती। ये प्रजाति पूरी तरह से अंधे होते हैं। इसका आकार कुछ हद तक क्रेफिश जैसा ही होता है। इसके भी सिर पर दो जोड़ी श्रृंगिकाएं होती है, जो किसी भी चीज को स्पर्श करने या भोजन का स्वाद देने में इसे मदद करती है। बट इस जीव का दूसरे जीव द्वारा तेजी से हो रहा शिकार इसे विलुप्त होने के कगार पर ला चुके हैं। 7, हाइड्रा। हाइड्रा जेली फिश की तरह ही समूह से जुड़े होते हैं। इसे दुनिया भर में देखा जा सकता है। आप इसे अपने आसपास के नदी या तालाबों में आसानी से देख सकते हैं। ये दुनिया भर के लगभग सभी नदी, तालाबों या समुद्रों में होते हैं, पर इसे नंगी आंखों से देखना असंभव है। इसे देखने के लिए आपको हैंडलेस या माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी होगी। इसकी लंबाई 30 मिलीमीटर तक हो सकती है, पर यह जीव भी पूरी तरह से अंधे होते हैं। इस जीव के पास भी देखने के लिए आंख नहीं होते हैं। अगर इसका अंग किसी कारणवश टूट जाता है या फिर कट जाता है, तो ये अपने घाव को जल्द ही ठीक कर लेते हैं और टूटा हुआ अंग पुनः एक नई हाइड्रा के रूप में विकसित हो जाता है। नंबर 6, क्वाई केव वाल्फ स्पाइडर। ये प्रजाति वाल्फ स्पाइडर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि क्वाई केव वाल्फ स्पाइडर पूरी तरह से अलग है। इस मकड़ी के पास बिल्कुल आंखें नहीं होते, लेकिन ये अपने शिकार को 2 मीटर दूर से ही अनुभव कर लेते हैं। इसकी लंबाई 0.75 इंच तक हो सकती है, लेकिन अभी देखा जाए तो ये प्रजाति भी विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी है। मानव विकास और कृषि द्वारा खेती के दौरान उपयोग किए जाने वाले रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग ही इस जीव के विलुप्त होने के पीछे का मेन कारण है। हालांकि उनके अस्तित्व को नियंत्रित करने और बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नंबर 5, लीजर मोल रैट। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मैं किस जीव के बारे में बात कर रहा हूँ। चूहे के कई प्रजातियों में से एक लीजर मोल रैट, जो पूर्वी भूमध्य सागर और ब्लैक सिया जैसे क्षेत्रों में चूहे की तरह अपना घर बनाकर रहते हैं। इसके पास भी दो आंखें होती हैं, पर त्वचा और फर से ढके होने के कारण इसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। इसका वजन करीबन 100 से 570 ग्राम तक होता है और लंबाई 13 से 35 सेंटीमीटर तक। यह लाल भूरा या फिर मटमैला कलर का होता है। सामान्य चूहे की तरह इसके पास भी 4 दांतें बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जो बहुत ही नुकीली और तेज धार की तरह, पर इसके दांत सामान्य चूहे से बहुत बड़ी होती है, जो इसे खतरनाक और डरावना रूप देती है। पर असल में तो ये जीव बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। नंबर 4, एड्रिटोकोना।
सांप की तरह दिखने वाला यह जीव वास्तव में सेलेमेंडर प्रजाति से बिलोंग करते हैं। यह दुनिया के दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। इसे शायद ही किसी ने देखा होगा। ये जीव नदी, तालाबों या फिर समुद्रों में पाए जाते हैं। इस जीव को किस किस ने देखा है कमेंट कर जरूर बताना। इसका रंग ग्रे कलर का होता है और इसकी लंबाई 1 फीट से लेकर 3 फीट तक हो सकती है। बट ये जीव भी पूरी तरह से अंधे होते हैं, जो कीड़ों, छोटी मछलियों और अन्य जलीय प्राणियों का शिकार कर अपना भोजन करते हैं। नंबर 3, ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक। इसे फॉलोअर पोट स्नेक या नरछूत के नाम से भी जाना जाता है और इसे विश्व की सबसे छोटी सांपों की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, पर हमें जहां तक लगता है कि इसे सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि यह सांप भी पूरी तरह से अंधे होते हैं। ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक कीड़े, कीट लार्वा और दीमकों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। यह सर्प दक्षिणी पूर्वी एशिया का मूल निवासी है, परंतु हरित गृह सामग्री बेचे जाने के कारण यह जीव पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर आपको ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक के बारे में पता है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें। नंबर 2, ब्राजीलियन ब्लाइंड चर्चिट। इसे नेत्रहीन ट्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। यह मछली कुछ हद तक पिरहाना फिश प्रजाति से बिलोंग करते हैं। अगर आप पिरहाना मछली के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि पिरहाना मछली कितना खतरनाक होता है। अगर पिरहाना मछली किसी जीव पर अटैक कर दे तो उसका बोटी बोटी नोच लेते हैं, और ये दानव के तरह दिखते भी हैं। लेकिन नेत्रहीन ट्रेटा उतना तो नहीं, लेकिन ये भी खतरनाक होते हैं, जिसके कारण इसे ब्राजील के सबसे खतरनाक मछली के श्रेणी में गिना जाता है। ये जीव भी पूरी तरह से नेत्रहीन होते हैं। ये ब्राजील में स्थित समुद्रों में पाए जाते हैं और इसकी अधिकतर लंबाई 4.6 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 1, ओलम। ओलम ऑक्सोलोट के समान दिखता है, जो पृथ्वी के सबसे सुंदर गुलाबी जानवरों में से एक है। ओलम क्रोटिया, एलोवेनिया, इटली, हर्जेगोविनिया और बेसिनिया के समुद्रों के गुफाओं के अंदर निवास करते हैं। वैसे तो इसके पास 2 आंखें होती हैं, लेकिन त्वचा के बारीक परत से ढके होने के कारण इसे कुछ दिखाई नहीं देता। बट इसके पास सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण उसे चलने और भोजन खोजने में मदद मिलती है। यह पूरी तरह से एक मांसाहारी प्राणी है, जो लार्वा, कीट, जलीय कीट और घोंघा खाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह बिना भोजन किए 10 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन यह प्रजाति भी विलुप्त होने के कगार पर है। फ्रांस के कुछ वैज्ञानिकों ने ओलम के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। अब उनके पास करीबन 500 से ज्यादा ओलम है। ये प्रजाति 50 से 100 सालों तक जीवित रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।